We'll just take our picture with all this thing. हमारे photographs हो जाएं पहले. Okay, आप photo ले लीजिए उसके बाद. हाँ. अरे आप लोग कहाँ चले गए? इधर आइए. हाँ. जल्दी आइए. सुनील, इधर आइए. Thank you, Dan. Troy, photo for you. Picture. मैं आपका introduce कर रहा हूँ. Now, एक second. Parents are my friends. Father is senior professor. Thank you. अब लोग department वाले उतर जाइए. Thanks, Troy. Right. Now, इसके अंतर ही? ये भी होते हैं. Now, white. अच्छा. Photo हो गई? हाँ. दिव्यांका जी, like बहुत ही angel लग रहे हैं आप. तो आप सबसे पहले बताइए कि आज सच में लग रहा है जैसे कि मैं बेगम ऑफ भोपाल ही बन गई हूँ और शायद इसके पीछे हाथ है स्मिता मैम का, उनके पूरे डिपार्टमेंट का, मध्य प्रदेश में. आप कलर की बात करें या मटेरियल की बात करें, सब कुछ हाथ से बनाया गया है. और आजकल के ज़माने में जहाँ पे ऑटोमेशन चल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हम लोग को फास्ट फॉरवर्ड कपड़ों की आदत पड़ गई है और दो दिन कपड़े यूज़ करते हैं, इनफैक्ट लोग रिप्लेस भी कर देते हैं उसके बाद. लेकिन आज आप लोग जो कलेक्शन यहाँ लेकर आए हैं वो कलेक्शन संजो के रखने वाला कलेक्शन है, वो ज्वेलरी की तरह है. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस इनिशिएटिव. सो मैडम, ब्यूटीफुल आउटफिट है एंड ढेरों सारी एम्ब्रॉयडरी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताना चाहेंगे. ज्वेलरी सवाल वहाँ जाना चाहिए, बनाया उन्होंने. मैं मुमताज़ जी को इंट्रोड्यूस करती हूँ. आप बहुत ही कमाल के डिज़ाइनर हैं, आपने इंटरनेशनल फैशन शोज़ किए हैं और बड़े बड़े कलाकारों को भी आपने, जो मेरे लिए चंदेरी सिल्क की साड़ी बनाई है उसमें जरदोजी का खास भोपाली काम है. भोपाली बोलते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं भोपाली हूँ. और इन्होंने जो स्पेशली ज्वेलरी AGS ज्वेलर्स की तरफ से है वो भी उन्होंने स्पेशल कुंदनकारी का काम बनवाया है. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हम लोग अभी तक नॉन केमिकल प्रिंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हैंडलूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सारा काम हमारी गवर्नमेंट करा रही है. तो ये एक मैसेज है कि आप कॉटन पहनिए, हैंड ब्लॉक पहनिए और हैंडलूम को आगे बढ़ाइए. इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम अपनी हमारे देश के क्राफ्ट को हेल्प करेंगे, इसलिए हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए. और दिव्यंगा ने जो सब कुछ किया है आज, और ये जो बेगम बनी है, ऐसी बेगम पहले कभी कोई नहीं है. जब कारीगर अच्छे हो तो पूरा ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है. और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ये जो क्राउन भी बनाया है ये खास मेरी डिमांड पे बनाया था क्योंकि मुझे जब उन्होंने बताया कि मैं बेगम ऑफ भोपाल हूँ, हमने रिसर्च की और मैंने पाया कि तब बेगमें क्राउन पहनती थी. yes. तो उन्होंने पूरे हाथ से गढ़वा के ये क्राउन मेरे लिए बनवाया एंड इट्स रियली कम्फर्टेबल. आप लोग ट्राई कीजिए किसी दिन गर्मी में. हमने सबने कहा है कि इसके बाद हम पहन के फ़ोटो खिंचवाएंगे. मैं कुछ कहने से पहले, अनुभा श्रीवास्तव IAS अधिकारी हैं, MD है इस विभाग की, मैं चाहूँगी वो दो शब्द कहें. जैसे मुमताज़ जी ने बताया कि कोविड के चैलेंजेस थे और इस सेक्टर के लिए बहुत सारा नया सोचने की ज़रूरत है. जो हमारी हेरिटेज साड़ियाँ भी आपने देखी शो के दौरान, जो हमने मध्य प्रदेश के आर्किटेक्चर पर भी बनाई है उस टीम पे, और हमारे डिज़ाइनर्स की जो मॉडर्न प्रोडक्ट है, तो हेरिटेज को इम्पैक्ट रखते हुए कैसे डाइवर्सिफाई करें कि आगे की जनरेशन में इनका भी उसमें इंटरेस्ट हो और पॉपुलर हो. तो मैम के लीडरशिप में हम लोग यूथ के लिए भी बहुत कुछ आगे करने जा रहे हैं. तो इंदौर के जो शो हैं उसमें आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा. तो जैसे मुमताज़ जी ने कहा है, कुछ ना कुछ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट खरीदें ताकि जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, एक बुनकर और उसका पूरा परिवार, उन सबको सपोर्ट मिलता है. थैंक यू. मैंने जैसे कि कहा कि ये अटायर पहनते ही मैं बेगम जैसा महसूस करने लगी थी. कलाकार हूँ तो जैसे ही अपने आउटफिट में आई मैं बन गई बेगम और काफ़ी आसानी से ईज़ के साथ मैं कर पाई. इनफैक्ट
बहुत अच्छा लग रहा था रैंप वॉक करते हुए, आपके लिए शो स्टॉपर बन के करने का मौका मिलता है मुंबई में तो बहुत अच्छा। एक ने आज कही